फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीमास ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक अलग तरीके का वीडियो लेके आई हूँ। तो उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि विंटर में हम लोग अपनी साड़ी को किस तरीके से न्यू लुक दे सकते हैं। क्या होता है कि जब सर्दी आती हैं तो हर लेडीज, सर्दियों में शादी भी बहुत होती है और हर लेडीज ये चाहती है कि मैं अच्छी दिखूं। सबका, मेरा भी होता है, सबका मन होता है कि मैं सबसे सुंदर दिखूं, सबसे अच्छी लगूं। तो उसके लिए लोग सर्दी में, ठंड लगती है फिर भी स्वेटर कैरी नहीं करते, शॉल कैरी नहीं करते। मैं भी नहीं करती हूँ कि मेरा लुक खराब हो जाएगा, मेरा ब्लाउज नहीं दिखेगा, मेरी साड़ी का लुक खराब हो जाएगा। तो उसमें हम लोगों को सर्दी भी कभी कभी लग जाती है। तो आज मैं इसीलिए आप लोगों के साथ ऐसा वीडियो लाई हूँ कि जिसमें आप लोगों को विंटर में आप लोग स्टाइलिश दिखेंगे और आपको सर्दी भी नहीं लगेगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि मैं किस तरीके से मैंने साड़ियों को स्टाइल किया है। तो उसमें मैंने हर तरीके की आपको साड़ी स्टाइल करके दिखाई है कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि मेरी कॉटन की साड़ी है तो मैं उसको कैसे कैरी करूं, मेरी सिल्क की साड़ी है तो मैं उसको कैसे कैरी करूं, या मेरी जॉर्जेट की है तो मैं उसको कैसे कैरी करूं। तो मैंने अलग अलग तरीके से सारी साड़ियों को कैरी करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। तो आप लोग लास्ट तक देखते रहिए मेरे वीडियो को। प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट कर जरूर करिएगा। जो भी लुक आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ वो भी कमेंट करके बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर कर सकूँ। आपके पास अगर इस तरीके का ब्लाउज हो, ये देखिए, अगर आप इस तरीके के ब्लाउज आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएंगे, आप चाहे अमेजन से, चाहे फ्लिपकार्ट, चाहे मीशो, किसी से भी ले सकते हैं इस तरीके के ब्लाउज। और ये इस तरीके के ब्लाउज आप के साथ भी अपनी साड़ी कैरी कर सकते हैं। विंटर में बहुत खूबसूरत लगती है और इसमें आपको सर्दी भी नहीं लगती है। तो और इसमें ये है कि आप ब्लैक और मैरून या रेड मंगा लेंगे तो आपका सारी साड़ियों पर चल जाएगा। तो मैंने एक ये मैरून मंगाया है और एक मंगाया है ये ब्लैक। ये दोनों मैंने मीशो से मंगाए थे और इनकी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है, ये 300 या 400 के समथिंग है ब्लाउज की रेंज। तो बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं है और कम प्राइस में आपको एक न्यू लुक क्रिएट करने को मिलेगा। तो मैं तो ऐसा मौका नहीं छोड़ती, साल परचेज किया है तो ये विंटर में मेरे बहुत काम आते हैं। और ये देखिए, इसमें साइड में ये इस तरीके की दी हुई है डोरी, इसको आप दोनों तरफ साइड में इस तरीके की डोरी दी हुई है। ना चाहें ऐसे ब्लाउज तो मैं इनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। तो जो मेरा फर्स्ट लुक है वो है पेपलम स्टाइल टॉप स्वेटर के साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने साड़ी ली है वो ली है जॉर्जेट की और मैं साड़ी को पेटीकोट के साथ में टक कर लूँगी। तो देखिए, मैंने साड़ी को पूरा राउंडेड होके पेटीकोट के साथ में टक कर लिया है और मैं पल्लू बना रही हूँ। तो पल्लू के लिए मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके से प्लेट्स बना ली हैं और अब मैं सारी प्लेट्स को एडजस्ट कर लूँगी। तो देखिए, मेरी सारी प्लेट्स भी एडजस्ट हो गई हैं और अब मैं यहाँ पे इसको सेफ्टी पिन की मदद से कर लूँगी सिक्योर। और जब भी सेफ्टी पिन लगाएं तो ये ध्यान रखें कि सेफ्टी पिन थोड़ा बैक में लगाएं, फ्रंट में ना लगाएं, क्योंकि बैक फ्रंट में लगाने से पल्लू आगे भागता है। तो देखिए, मैंने सेफ्टी पिन लगा लिया है और ये पीछे का पोर्शन मैंने खींच के इस तरीके से आगे टक कर लिया है और मैं बनाऊँगी प्लेट्स। तो देखिए, मेरी प्लेट्स भी बन गई हैं और मैंने इनको एडजस्ट कर लिया है। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे सेफ्टी पिन की मदद से इन प्लेट्स को कर लूँगी सिक्योर। तो ये देखिए, मैंने सेफ्टी पिन की मदद से प्लेट्स सिक्योर कर ली हैं और मैं इनको पेटीकोट के साथ मैंने टक कर लिया है। और मैं यहाँ पे लो पल्लू स्टाइल में साड़ी बांध रही हूँ। तो आप लोग देखिए, अब मैं इस तरीके से अपने पल्लू को एडजस्ट कर रही हूँ। तो ये जो पोर्शन है इसको भी मैं साड़ी के साथ अंदर टक कर लूँगी साड़ी में। तो देखिए, इस तरीके से अपनी साड़ी को अंदर टक कर लेंगे तो मेरा बैक है वो एकदम क्लीन दिखेगा
और देखिए कितना अच्छा लो पल्लू बनके तैयार है। तो यहाँ पे भी हम एक सेफ्टी पिन की मदद से साड़ी को कर लेंगे सिक्योर, जिससे पल्लू इधर उधर मेरा भागे नहीं। तो ये देखिए मैंने पहन ली है इयर रिंग्स और साथ में ये एक नेकलेस डाल लिया है गले में, तो बहुत ज़्यादा ज्वेलरी वगैरह इसमें नहीं पहनेंगे। और ये मैंने एक हाथ में बांध ली है वॉच और दूसरे हाथ में डाल लूँगी कुछ चूड़ियाँ। तो देखिए ये दो कलर की चूड़ी है मेरी, तो ये मैंने डाल ली हैं और ये है मेरा फाइनल लुक तैयार है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि ये मेरा फर्स्ट लुक कैसा लगा आप लोगों को। तो सेकेंड लुक के लिए मैंने देखिए ये पहन लिया है हाई नेक स्वेटर रेड कलर का और ये है मेरी कॉटन साड़ी। तो हाई नेक स्वेटर मेरा लंबा था तो मैंने उसको पेटीकोट के अंदर टक कर लिया है और अब मैंने साड़ी को देखिए टक कर लिया है और मैं इस साड़ी को ओपन पल्लू में पहनूंगी। तो अभी देखिए मैं इस तरीके से मैंने पल्लू कंधे पे डाल लिया है और मैं पहले बनाऊंगी प्लेट्स। तो पीछे का जो पोर्शन है इसको मैं इस तरीके से देखिए आगे फ्रंट में लाके यहाँ पे एक सेफ्टी पिन के अंदर से इसको कर लूँगी सिक्योर और मैं बना रही हूँ प्लेट्स। तो देखिए प्लेट्स मेरी बन गई हैं, अब इनको मैं मैनेज कर लूँगी सारी प्लेट्स को तो अच्छे से मैनेज कर लूँगी और उसके बाद इन सारी प्लेट्स को सेफ्टी पिन की मदद से मैं यहाँ पे कर लूँगी सिक्योर। तो मैंने देखिए सेफ्टी पिन की मदद से साड़ी को कर लिया है सिक्योर और मैं इसको पेटीकोट के अंदर कर लूँगी टक। तो अब मैं बनाऊँगी पल्लू। तो देखिए मैंने इस तरीके से पल्लू को बिल्कुल अच्छे से मैनेज कर लिया है और अब मैं यहाँ पे सेफ्टी पिन की मदद से पल्लू को करूँगी सिक्योर। तो सेफ्टी पिन मैं देखिए बैक में जाके लगा रही हूँ, तो मैंने पल्लू को भी सिक्योर कर लिया है सेफ्टी पिन की मदद से। और यहाँ पे मैंने बालों का बनाया है हाई वन और इसके साथ में मैंने पहने हैं टॉप्स बड़े बड़े से और साथ में ये गोल्डन चूड़ियाँ हैं जो मैंने डाल ली हैं और एक हाथ में है वॉच और एक साथ में मैं पहनूंगी एक ये माला। तो फिर देखिए मेरा ये है फाइनल लुक, जो सेकंड लुक है वो है मेरा ये। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा। तो थर्ड लुक के लिए मैंने यहाँ पे लिए है अगेन जॉर्जेट साड़ी और साथ में मैंने पहना है लॉन्ग स्वेटर। तो मैं यहाँ पे जो साड़ी को ड्रॉप करूँगी वो मैं करूँगी इस लॉन्ग स्वेटर के साथ में। तो देखिए मैंने साड़ी को पेटीकोट के साथ में टक कर लिया है और स्वेटर को मैंने ओपन रखा है और इस तरीके से मैं पल्लू को मैंने फ्रंट में डाल लिया है। तो इसको मैंने राउंड नहीं किया है और पीछे से जाके कंधे पर डाल लिया है और यहाँ पर मैं बना रही हूँ प्लेट्स। तो प्लेट्स मेरी बन गई हैं और मैं इनको कर लूँगी मैनेज और अब मैं इन प्लेट्स को सेफ्टी पिन की मदद से कर लूँगी सिक्योर। तो देखिए मैंने सेफ्टी पिन लगा लिया है और अब मैं सारी प्लेट्स को पेटीकोट के अंदर टक कर लूँगी और टक करने के बाद मैं ये देखिए इस तरीके से जो साड़ी का बॉर्डर है उसको सही करते हुए ले जाऊँगी बैक में और मैं जो पल्लू है उसको बनाऊँगी। तो मैं इस तरीके से पल्लू की सारी प्लेट्स मैंने डाल ली हैं और यहाँ पे पल्लू को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखना है, पल्लू को मीडियम में ही रखना है क्योंकि पल्लू को मैं फ्रंट में लूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं इसको रखना है। तो देखिए मेरी सारी प्लेट्स पड़ गई हैं और मैंने प्लेट्स को कर लिया है मैनेज। तो अब मैं इसको सेफ्टी पिन की मदद से कर लूँगी सिक्योर। तो देखिए मैंने सेफ्टी पिन यहाँ पे लगा लिया है और मेरा पल्लू हो गया सिक्योर। अब मैं सारी प्लेट्स को सही से एडजस्ट कर लूँगी और देखिए मैंने सारी प्लेट्स को कर लिया है एडजस्ट और अब यहाँ पे लगाऊंगी मैं ये वाली बेल्ट। तो अब इसके साथ में मैं डाल रही हूँ सिल्वर ज्वेलरी। तो मैंने यहाँ पे देखिए ये नेकलेस पहन लिया है और इसी के साथ के मैंने पहन लिए हैं इयर रिंग्स और ये है मेरा फाइनल लुक। अब फोर्थ लुक के लिए मैंने अगेन पहन लिया है हाई नेक स्वेटर और इसके साथ में मैंने ली है ये सिल्क साड़ी। तो मैं साड़ी स्वेटर को मैंने पेटीकोट के अंदर टक कर लिया है और मैं साड़ी को पेटीकोट के साथ टक कर रही हूँ इस तरीके से और मैं साड़ी को बैक से ले जाके मैंने डाल लिया है कंधे पे और मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ प्लेट्स।
तो देखिए मेरी सारी प्लेट्स बन गई हैं और मैं इनको कर लूँगी एडजस्ट। तो एडजस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन के अंदर से साड़ी को कर लूँगी सिक्योर। तो देखिए मैंने सेफ्टी पिन लगा लिया है और अब मैं साड़ी को पेटीकोट के साथ कर लिया है टप। मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ पल्लू। तो मैं साड़ी के बॉर्डर को इस तरीके से ले जा के मैंने यहाँ पे सीधे पल्ले की साड़ी को किया है स्टाइल। तो यहाँ पे मैं लगा लूँगी सेफ्टी पिन। मैंने जो सीधा पल्लू लिया है उसको भी मैंने लो पल्लू करके लिया है तो थोड़ा स्टाइलिश लग रहा है। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये पल्लू बना लिया है और अब मैं इसके साथ में सिल्वर ज्वेलरी पहन रही हूँ। तो ये देखिए मैंने जो चोकर सेट है वो पहन लिया है और उसके साथ में ये पहन लिए मैंने इयर रिंग्स और साथ में ये एक सिल्वर नेकलेस था लॉन्ग में वो डाल लिया है। और ये मैं पहन रही हूँ ग्रीन कलर की चूड़ियाँ। तो ये है मेरा फाइनल लुक। तो यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और जो न्यू लोग हों वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।